वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गाजर के फेस पैक के बारे में। फ्रेंड्स, गाजर जितनी खाने में बढ़िया है और हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जितनी बढ़िया है, उतनी ही हमारे फेस के लिए भी बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, गाजर से अगर खून की कमी है वो पूरी हो जाती है, और अगर गाजर को आप पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाते हैं तो उसके तो क्या कहने। तो चलिए जानते हैं, अगर हम गाजर को फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगाते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, स्किन की कौन सी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, गाजर में काफ़ी सारा विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो त्वचा को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। गाजर में ए, सी और ई विटामिन भी पाया जाता है जो कि हमारी त्वचा से एजिंग लक्षणों को कम कर देता है। एज इफेक्ट हमारी त्वचा पर नहीं पड़ता। गाजर का मास्क हफ्ते में हमें 2 बार चेहरे पर लगाना है जिससे हमारे डार्क स्पॉट्स, छाइयाँ, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको ये वीक में 2 बार ज़रूर करना है ताकि आप अपनी स्किन की ये प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें और एक ग्लोइंग स्किन आप पा सकें। दोस्तों, 15 दिनों में गोरी त्वचा पाने के लिए गाजर फेस मास्क आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इसे बनाने के लिए आपको 1 चम्मच घिसी हुई गाजर चाहिए, उसके बाद 1 चम्मच रोज़ वाटर चाहिए, 1 चम्मच बेसन चाहिए, 1 चम्मच खीरे का पेस्ट आपको चाहिए त्वचा पर लगाने के लिए। इसे 15 मिनट छोड़ दीजिए अपने फेस पर लगा के इस पेस्ट को, और उसके बाद आपको ठंडे पानी से अपने फेस को धो लेना है। इससे आपकी त्वचा काफ़ी गोरी हो जाएगी, काफ़ी हद तक आपकी स्किन से डस्ट निकल जाएगी और टैनिंग की प्रॉब्लम वो भी ख़त्म हो जाएगी। स्किन एक अलग सा ग्लो आपकी फेस पर नज़र आने लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, झुर्रियों को मिटाने के लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको घिसा हुआ 1 गाजर चाहिए, 1 चम्मच चावल का आटा चाहिए, चुटकी भर हल्दी चाहिए, 1 छोटा चम्मच आपको शहद चाहिए और 1 चम्मच आपको दूध का चाहिए। आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लीजिए। एक थिक पेस्ट तैयार हो जाएगा। आपको इसे 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाकर रखना है और ऐसा आपको 1 दिन छोड़कर करना है। अगर आप झुर्रियों से छुटकारा चाहती हैं तो 1 दिन स्किप करके अपने चेहरे पर इसे लगाएं, झुर्रियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, चमकदार त्वचा पाने के लिए आपको ग्राइंड किया हुआ 1 चम्मच गाजर चाहिए, यानी कि आपको गाजर को ग्राइंड कर लेना है, वो उसमें से आपको 1 स्पून चाहिए, 1 चम्मच आपको ओट्स और 1 चम्मच आपको घिसा हुआ सेब। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कीजिएगा। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 5 मिनट के बाद हल्की हल्की मसाज करें, यानी कि स्क्रब की तरह करें, और स्क्रब करने के बाद 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख दीजिएगा और ठंडे पानी से वॉश करें। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, इससे आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, चेहरे पर काफ़ी हद तक निखार आएगा। अगर चेहरे की सूजन कम करना चाहते हैं तो हमारे चेहरे पर अक्सर सुबह के समय सूजन आ जाती है, इसको कम करने के लिए भी सुबह ही आपको फेस पैक लगाना होगा। इसके लिए आपको जो चाहिए वो है 1 घिसा हुआ चुकंदर। चुकंदर बहुत बढ़िया है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को ग्लोइंग और पिकिश देने के लिए। 1 चम्मच आपको आलू चाहिए स्किन को क्लियर करने के लिए, 1 चम्मच दही चाहिए स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, 1 चम्मच घिसा हुआ गाजर आपको चाहिए। इसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर पानी से वॉश कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया रहेगा आपकी स्किन से सूजन को ख़त्म करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, अगर पिगमेंट और खुरदरी त्वचा है आपकी, ड्राई है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद चाहिए और 1 चम्मच घिसा हुआ गाजर चाहिए। तीनों को मिला लीजिए, इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद हल्के गर्म पानी से, याद रखिएगा इसे आपने हल्के गर्म पानी से चेहरे को धोना है ताकि आपका जो ड्राई फेस है, पिगमेंटेशन आपके फेस पे है, वो ख़त्म हो जाए। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको 1 दिन स्किप करके इसे करना है, स्किन पर अलग सा ग्लो और निखार आएगा, तो देखिएगा आपकी स्किन कैसी चमकने दमकने लग जाएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा दोस्तों।
अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में दोस्तों लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल का बटन है क्लिक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन और उसका मैसेज आप तक डायरेक्ट पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे ब्यूटिफुल।